हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय मैं खाने की तलाश में निकला हूँ। इस समय मैं दोस्तों खाने की तलाश में निकला हूँ बैंकॉक की गलियों में। कल दोपहर को मैं यहाँ पहुँचा था, मतलब पहुँच तो सुबह गया था 7-8 बजे, चेक इन 2 बजे थी। तो 3-4 घंटे ऐसे ही भटकते भटकते बिताए और खाने की बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि कल मैंने दोपहर को फ्रूट खाए, रात को भी फ्रूट खाए। अभी नाश्ते की तलाश में निकला, इस समय 9:30 बज रहे हैं सुबह के, और मैं इस समय खाओसन, एक जगह है बैंकॉक में खाओसन रोड, वहाँ पर रुका हूँ। 90% यहाँ रुकने वाले टूरिस्ट जो है वो फॉरेनर्स है, सारे फॉरेनर्स है, 90% फॉरेनर्स है। और जो इंडियंस है वो ज़्यादातर सुखमवीत में रुकते हैं, वो यहाँ से 7 किलोमीटर आगे एक जगह है। और वो वहाँ पर क्यों रुकते हैं ये मैं आपको डिटेल में वीडियो बताऊँगा, मैं इसी में बता देता हूँ, उसमें क्या उसके लिए अलग से बोलूँ। वो जो यहाँ पे बैंकॉक में जो एडल्ट नाइट लाइफ जो मशहूर है वो सब सुखमवीत में है। तो इन 90% इंडियंस जो है वहीं रुकते हैं, या पैकेज लेंगे तो उनको वहीं पे रुकने के पैकेज मिलते हैं। खाओसन रोड में नाइट लाइफ तो है, पर वो एडल्ट नाइट लाइफ नहीं है इतनी, बस मसाज वसाज की शॉप्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। और इसलिए फॉरनर्स यहाँ बहुत ज़्यादा है, पब है, पार्टी वगैरह ये सब है। पर वो जो नाइट लाइफ है, जो वो नाना प्लाजा वगैरह ये सब सुखमवीत में है। तो ज़्यादातर जो इंडियंस या और वो वहाँ रुकते हैं, पर जो फॉरनर जितने भी हैं वो इस तरफ रुके हुए हैं। और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है फॉरनर्स की, खाने को लेकर के थोड़ी दिक्कत बहुत हो रही है, क्योंकि बहुत महंगा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इनके पल्ले कुछ है नहीं, और फिर भी हमारा 2.5 रुपया इनका 1 रुपया है। मतलब यहाँ पे अगर आप 100 रुपये कुछ खाते हो तो आपके 250 रुपये लगते हैं, इनके पास अपना कुछ है नहीं। और टूरिज्म के नाम पे हमारा, मतलब हमसे इतना आगे निकल चुके हैं, डेली की 20 फ्लाइटें आ रही है भर भर के, कुछ भी नहीं है इनके पास। मतलब इतना महंगा ना खाना ढंग का, क्या कहीं पे वो मगरमच्छ का मांस बेच रहे हैं, कहीं पर बिच्छू फ्राई बेच रहे हैं। पर ये मतलब, पर थाईलैंड की जो वो है नेचर, थाईलैंड का जो नेचुरल प्लेसेस है थाईलैंड के, वो सब बहुत मशहूर है, जो मैं अभी आगे एक्सप्लोर करूँगा। क्योंकि ये तो कमर्शियल हो गया ना, ये तो एक आप सिटी के अंदर हो, तो ये तो पूरा बैंकॉक कंक्रीट का जंगल है, मतलब इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, टोटल ये कंक्रीट का जंगल है। पर जो थाईलैंड की जो मेन जो नेचर, जो ब्यूटी आपको थाईलैंड की मिलेगी, वो आपको गांव में या बैंकॉक, पत्तिया और फुकेट वगैरह से बाहर जाके मिलेगी। फुकेट और कराबी में भी अच्छी नेचर है, पर यहाँ कुछ नहीं है, कोई लैंडलॉक है बैंकॉक, कोई बीच वगैरह नहीं है, और टोटल जैसे कमर्शियल हब है वैसा है। अभी देखूंगा क्या मिलता है खाने को, या फिर से नहीं तो फ्रूट ही खाने पड़ेंगे मुझे। मैंने सोचा था कि मैं बैंकॉक में कम से कम 10-12 दिन रुकूंगा, पर मैं यहाँ ज़्यादा रुकूंगा नहीं, क्योंकि बहुत स्कैम वाला सिटी है ये, बैठ के कहीं बात करेंगे फिर बताऊंगा। यहाँ पर मालूम क्या है रहने में, मतलब मैं तो, मेरे को लगा था कि पता नहीं कैसा होगा बैंकॉक, तो चलो 10 दिन गुजारेंगे, पर मैं यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं रुक सकता, क्योंकि आपको ना हर समय बचना पड़ेगा। सिक्योर रहने के लिए आपको लगातार जगजोजनेज करनी पड़ रही है, मतलब हर जगह महंगाई तो है ही है, पर ये भी है कि आपके साथ चीटिंग करने की भी लगातार कोशिश करते हैं। मतलब कई ऐसी जगह पे हुई कि जहाँ पे मैं अलर्ट नहीं हूँ, अगर अलर्ट नहीं होता तो वो मेरे को नुकसान पहुँचा देते और लूट रहे हैं लोगों को, मतलब मुझे नहीं पता क्यों, क्यों क्या, मतलब पैसा कमाने के लिए और क्या। मतलब जैसे यहाँ पे 100 का नोट और 1000 का नोट एक जैसा दिखता है, तो आपसे ये बोल देंगे कि नहीं नहीं ये आपने मुझे 100 का ही दिया। या ऑटो टैक्सी वाले तो खैर दुनिया में हर जगह के होते हैं, जो थोड़े टूरिस्ट प्लेसेस पे ज़्यादा प्राइस लेते हैं, पर यहाँ का कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है।
ठीक है, ग्रैब ऐप है उसके थ्रू आप थोड़ा सा सेफ हो सकते हैं। आज खाने को क्या मिलता है, इसके बाद आज मेरी प्लानिंग है कि मैं गुरुद्वारा में, एक यहाँ पे मशहूर गुरुद्वारा है वहाँ जाऊँ, नहीं तो अदरवाइज मैं सोच रहा था कि ज़्यादा दिन रुकने की यहाँ पर अब नहीं रुकूँगा, अब आगे कहीं मूव ऑन करेंगे। और कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूँ, जब भी कभी आप लोग आओ बैंकॉक में, एक तो सिम एयरपोर्ट से ले लेना, चाहे डाटा पैक वाला या नहीं, मैंने तो 260 बात में ले लिया था। दूसरा दूसरा आपको एक तो यहाँ पर 7-Eleven के नाम से स्टोर है, बहुत जगह जगह पर है, मतलब हर थोड़ी दूरी पे 100 मीटर पे 7-Eleven, 7-Eleven स्टोर से आप कुछ भी चीज़ें ले सकते हो, थोड़ा रिजनेबल प्राइस में है, रिजनेबल प्राइस में है 7-Eleven स्टोर। और एक ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लेना, ग्रैब ऐप का मतलब है कि आप, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है तो वो, मतलब महंगा नहीं है वो, जो आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, और ग्रैब ऐप के थ्रू आप सेफली, वही जैसे अपने यहाँ ऊबर चलता है, ओला ऊबर, यहाँ पर ग्रैब ऐप चलता है। महंगाई का अंदाजा आप यहाँ से लगा लो कि 7-Eleven ऐप में, ऐप 7-Eleven स्टोर में एक सिंगल केला बिक रहा है, मतलब सिंगल सिंगल केले की पैकिंग है वो बिक रही है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों मुझे आज भी फ्रूट ही खाने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक जगह चावल और ग्रेवी मिल रही थी तो बोले 130 बात, अब 130 बात का मैं अगर ब्रेकफास्ट करूं और उसके बाद फिर मैं लंच के लिए भी जाऊं, तो 130 बात का मतलब हो गया कि 250 और 350 रुपये में सिर्फ मुझे थोड़े से चावल, उसके ऊपर कुछ ग्रेवी टाइप का मिलेगा, वेज सब्जियों की ग्रेवी 350-400 रुपये में, तो वो बहुत महंगा लग रहा है मुझे। तो मैं या तो कुछ फ्रूट परचेज करूँगा, और दोपहर को हैवी लंच करेंगे, और यहाँ से फिर देखते हैं थाईलैंड में और क्या है देखने वाला, मतलब बैंकॉक के आसपास, फिर आगे कहीं और मूव करते हैं। अभी मैं रेस्ट करूँगा, मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई है, गर्मी भी बहुत है और मैं ढंग से नहाया भी नहीं हूँ, मतलब कल तो नहाया था अभी, और मेरे को नहा के थोड़ा एक दो घंटे रेस्ट करूँगा, फिर देखते, गर्मी बहुत है इस समय।